ये कील कहाँ से निकली है? ये जो कील मैंने आपके मोबाइल में देखी, ये कहाँ से निकली है? और ये क्या डॉक्टरों ने निकाली है? हाँ, डॉक्टर ऑपरेशन करके, ऑपरेशन छोटे छोटे चीरे दिए, छोटे छोटे चीरे दिए। हाँ। ये कहाँ से निकलती हैं कीलें? ये पेट से निकलती हैं। पेट के अलावा कहीं से निकलती हैं? हाँ, एक बार यहाँ से निकली थी, माथे से। हाँ, सर से। ये परसों निकली थी यहाँ पे। अगर माथे पे परसों निकली थी तो वो सीधी तो होगी नहीं, तो तिरछी लेटी हुई होगी। हाँ, तिरछी थी, तिरछी थी ना वो। तो ये कब से निकल रही है तुझे कीलें? ये 6 महीने से निकल रही है। 6 महीने से निकल रही है। तो क्या अभी भी तेरे शरीर में कहीं कील का एहसास है तुझे? कहाँ है? दो या तीन जगह। हाँ। तो ये एहसास हर दूसरे तीसरे दिन में होता है, कैसे होता है? हर दूसरे तीसरे दिन ये बाहर ऐसे लगता है कि कुछ चुभ रहा है, कुछ अंदर से चुभ रहा है और वो बाहर निकलने वाला है। है ना? अभी मैंने आपको छू के देखा, वहाँ पे कील थी। फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग है ना, कोई ट्राई करना चाहता है, कोई देखना चाहता है इसको कील है कि नहीं अंतर में। इस लड़की को एक तंत्र है जिसको डॉक्टर भी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है? बस वो कीले निकाल सकते हैं। कितनी कीले डॉक्टरों ने निकाली है मैं दिखा देता हूँ। और इसके अलावा ना, इसने खुद को क्या बेहोश करके, सुन करके खुद को ऐसे टीके लगा के और खुद कीले निकालनी शुरू कर दी, जो अंदर से निकलती हैं। तंत्र कितना गहरा होता है ये देख लो, ठीक है कि नहीं है? मतलब मैंने इसकी हर तरह से परीक्षा की। रात को मैंने इस लड़की को कहा कि नहीं, कीले आधी गाड़ती है तो खुद ही निकाल लेती है फिर वो करके, ऐसा ही कहा था ना मैंने। लेकिन अभी मैंने इसको देखा, इसने मुझे एक जगह दिखाई, ठीक है, नाभि से थोड़ा सा नीचे। मैं दिखा सकता हूँ फिर से दिखाओ, वो जगह दिखाओ, डरो मत बेटे, तुम तो बेटी हो भाई, बस यहाँ इतना दिखाओ। ऊपर से जगह नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर किसी को माँ बहन को छू के देखना है तो वो देख सकता है। जब मैंने देखा इसको, देखो ये रिकील, देखो अंदर है, ए देखो वो नहीं बना हुआ, बहुत आराम आराम से अंगली लगाना। कहाँ महसूस हुई ये? हुई? और जब ये कड़की तो इसको एकदम से दर्द हुआ, देखिए देख, ए यहाँ पे, ए महसूस कर, कहाँ है कील, महसूस कर, ये रही। और ये ना वापिस बाहर निकलती है फूट के, ये बाहर की तरफ आती है फूट के। जो तीखी होती है वो बाहर आ जाती है, वरना चीरा लगवाना पड़ता है। जो तो चीरा कौन लगाता है? डॉक्टर। पहले कहीं चीरा लगाया? देखो ये रहा, ये चीरे लगाया। तो डॉक्टर क्या कहता है, कहाँ से निकलती है? डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे शरीर से बनती है। शरीर से लंबी कील कैसे बन जाएगी आलपिन जैसी? बताओ, डॉक्टर कहता है तुम्हारे शरीर में बनती है कीले। कहाँ से बनेगी शरीर में? कहाँ? नहीं, शरीर कील बनाता हो तो सबका शरीर कील बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये उसको उतना दर्द होता है ना, जब हम दबाते हैं तो दर्द होता है। ये कब से हो रहा तेरे साथ? 6 महीने हो रहे। नहीं, अगर फिर इसका शरीर कील बनाने वाला होता तो 6 महीने से ही क्यों बनती? सबसे बड़ी बात, पहले भी बननी चाहिए थी। और जो कील है उसके ऊपर कोई मुंह नहीं है। मैं कल ये सोच रहा था कि इसके अंदर कोई जो चुड़ैल है, डायन है, जो भी है, जो इसको बेहोश कर देती है, इसका उपाय कैसे करेंगे कि इसको कुछ है। आ गया, ए देखना आप, क्या नाम है आपका? कोई बात, आंखों में देखो बस की बात। इसका नाम बिमला है, तुम बिमला बिमला पुकारना जब मैं कहूँ, पुकारो इसको बिमला बिमला। बिमला, ए बेटी बिमला, बिमला बिमला, अब इसको क्या कहोगे बताओ? ए छोड़ते ही नीचे गिर जाएगी, कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा कौन? अब बिमला हो गई बेहोश। ये देख लो, मेरी आंख में देखते ही गिर पड़ी। इसका मतलब इस लड़की को बहुत गहरा तंत्र है। और डॉक्टर क्या, सारी जिंदगी, मतलब अगर कोई देखना चाहे, है ना, आज मैं प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं, कोई आदमी पूछ रहा था कि मैं 2-4 साल से परेशान हूँ, हालांकि डॉक्टरों को तो इसका कोई पार पाए नहीं, लेकिन महात्मा पहले तो हमें प्रेतों की कहानी सुनाते हैं कि एक भाई जी थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके बराबर में खड़ा हुआ था एक प्रेत, उन्होंने उसके दर्शन कर लिए। उस प्रेत ने कहा, पहले अगर आप नहीं बोलते तो मैं आपको दिखाई नहीं देता, आप बोल पड़े तो ये बाकी की कहानी प्रेमानंद जी भी नहीं जानते। उस प्रेत से भाई जी का परिचय हुआ, वो प्रेत पितृलोक में जाता था, वहां से लोगों की खबर भाई जी को देता था आगे जुड़ने वाले समय में। तब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लोगों की पितरों की समस्या का समाधान करते थे, किसके पितर को क्या चाहिए, वो कैसा है, वो भी बताते थे।
तो पितृ का स्वरूप भी बताते थे अगर किसी को ना पता हो। आधी कहानी तो प्रेमानंद जी को पता है, आधी मनु भैया को पता है, यानी कि पूरी मनु भैया को पता है, प्रेमानंद जी को आधी कहानी पता है। तब वहां तो प्रेत का जिक्र करते हैं और बाद में कहते हैं जब कोई अपनी स्त्री के लिए पूछता है सारी ले जा भाई तू पका लियो खा लियो। तो अब क्या कह रहे हैं कि प्रेत जो है वो मन होता है, मन यानी कि आपके मन में मलिनता है तो प्रेत है। इस बच्ची के मन में क्या मलिनता है भाई, मुझे ये बताइए इस बच्ची के मन में क्या मलिनता है और कैसी कीले निकलती है, इनके घर से कौन आया है, आप आया कौन है इसके साथ, बिमला के साथ कौन है भाई, ये खुद ही जाके बिमला बेहोश क्यों हो गई, इसको इतना समय ज्ञात नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। मैंने तेरे को क्या कहा था, मेरी आंखों में देखो फोन कर लो खोल दे, गिर गई फिर आंख में देख लिया गिर गई। अच्छा कब से बीमार है, इनको खराब होती है 1.5 साल हो गई। डॉक्टर क्या कहता है ये कैसे बनती है, शरीर में बनती है इसके, क्या कहे ये शरीर में बनबा लागी गई कर लो ये कीले शरीर में बनती बनने लगी हैं, और एक तरफ से पैनी बन रही है और एक तरफ से लंबी बन रही है जैसे आलपिन बनती है। कमाल है डॉक्टर, कहाँ से डॉक्टर इतनी बुद्धि ले आए कि आपके शरीर में कील बनने लगी है, तो फिर सब शरीरों में बने, और मान लिया इसके में बन रही है तो फिर बचपन से क्यों नहीं बनी, अगर इसी के शरीर में कुछ विशेषता दे रखी है। और फिर एक बात, अगर कील बन रही है तो पैनी क्यों बन रही है आगे से, अंदर कौन कुम्हार या कौन वो लुहार बैठा है जो आगे से पना रहा है कील को, या कौन सी मशीन लगी हुई है। और फिर आलपिन जितनी बारीक कील कैसे है, ये शर्माते नहीं डॉक्टर कहते हुए, असल में तो डॉक्टरों को कभी इसका पार पा नहीं सकता, जीवन भर इस बच्चे का पार नहीं पा सकता, और ऐसे ऐसे महात्माओं को भी नहीं पा सकता जैसे प्रेमानंद जी है। भाई अपनी भक्ति ही बता लो, क्योंकि किसी भी महात्मा से दुनिया के, चाहे शंकराचार्य खुद क्यों ना हो, एक काम तो कर सकते हैं ये देखने के लिए कि अब उभय भारती ने ये कह दिया ठीक है कि तुम अब काम शास्त्र के बारे में चर्चा करो कि काम शास्त्र क्या है। तो हार गए, परकाया प्रवेश केवल इसलिए किया कि मैं काम शास्त्र को जान सकूं, वैसे परकाया प्रवेश नहीं था, क्योंकि हनुमान जी का भी परकाया प्रवेश कहीं दिखाया नहीं गया, नहीं दिखाया ना गया। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे, पर पूरे जीवन में परकाया प्रवेश नहीं दिखाया गया, अगर दिखाया गया तो सुरसा माता के मुंह में मक्खी बनके मक्सी बनके घुसे थे और अंदर हो आए कुछ ही क्षणों में, लेकिन परकाया प्रवेश नहीं कहते इसको, इसको तो ये था सूक्ष्म स्वरूप धरा और कहने से पहले नाभिमंडल से ऊपर आ गई, इतनी देर में मुख बंद करती। तो फिर ये था कि अपने सूक्ष्म शरीर से दूसरे राजा के साथ रह के तब इस विषय में जानकारी लेके उन्होंने वो वाद विवाद जीता, वो तर्क वितर्क जीता, यानी कि वहाँ वो जीत पाए, वरना तो हार ही गए थे। नहीं लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चाहे चारों शंकराचार्य मिल जाए, प्रेत की चर्चा तो करते हैं कि रामलला मंदिर में प्रेत आ जाएंगे, डायन आ जाएगी, चुड़ैले आ जाएगी, किसी के शरीर से एक निकाल के दिखा दो, ये सारे के सारे मिलके सारे महात्मा गद्दी आसीन बैठे, चांदी के वे हैं पीछे, क्या कहते हैं बड़ी बड़ी चांदी के वे लगे हुए हैं गद्दियां, लेकिन सारे मिलके एक प्रेत नहीं निकाल सकते, एक बच्चे को ठीक नहीं कर सकते सारे मिलके, क्या करोगे उनका। अच्छा और एक बात ये कह देंगे तुम्हारे मन में ऐसे भाव बैठे, इतनी माताएं बहने हैं इन सबके मन मलिन हो गए क्या, तो एक केवल प्रेमानंद जी का ही मन स्वच्छ हुआ, फिर तो किसी का मन स्वच्छ है ही नहीं। और वो प्रेमानंद जी के सामने ही बैठ के तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को 2-3 साल से प्रेत है ठीक है, और वो उसको दुखी करता है, तब कहता है कि मन में मलिनता है, वैसे प्रेत योनि भी होती है। अरे जब प्रेत योनि होती है तो प्रेत योनि दूसरे के शरीर में प्रविष्ट नहीं होती है क्या, तब सारे ग्रंथ पढ़े हैं तो बहुत सारे अपने वे भी पढ़ लो भाई, पुराण पुराणों में तो सारी चर्चा है, जिस श्री हरि की श्री जी है उस श्री जी से पहले जो श्री हरि है वो हरिवंश पुराण में प्रेत से युद्ध करते हैं। भाई समझ में नहीं आता मेरे को इन महात्माओं को क्या लग गया है, वैसे तो बुद्धि से तो लुंज हो ही गए हैं कि ये काम तो इनसे होता नहीं कि लोगों के पहले प्रेत निकालो, निगेटिविटी निकालो, नकारात्मक ऊर्जा निकालो और फिर उनके पितृदोषों को खत्म करो और फिर उनको पाठ पढ़ाओ या फिर उनको किससे लगाओ, फिर उनको भजन से लगाओ, जब वे दुखी है पहले ही। तो क्या सबके मन मलिन है, तो महात्मा कौन बचा हुआ है, मन तो संसार में सबका मलिन है, अगर प्रेमानंद जी महाराज समाधि में नहीं है तो मैं कहता हूँ बाहर जो मन है वो मलिन है, उसमें कुपित वायु है, वायु की वक्रता है, फिर संसार से जो व्यवहार करता है वो मलिन ही मलिन है इस संसार में पूरे में।
ठीक है, कोई ऐसा है नहीं जिसके पास शुद्ध शब्द हो, सब मलिन है, सारा संसार सारा विश्व मलिन है, फिर सबके मन मलिन है, समाधि में बैठते हैं तब भी मन इधर उधर जाते हैं, क्या आपका ही एक मन ऐसा है जो श्री जी में 24 घंटे अनुरक्त है, तो फिर इतनी बातें कहां से करते हैं? अरे गला खराब है मेरा ये, ठीक है, मतलब सब बैठ के खा रहे हैं, सब बैठ के परोस रहे हैं, सब बैठ के पोषित तो हो रहे हैं और दूषित हमें कर रहे हैं, दूषित हमें कर रहे हैं, ठीक है। अरे ये क्या बच्ची, ये छोटे बच्चे को प्रेत लग जाता है, उसका मन मलिन हो गया, फिर तो सब छोटे बच्चों के मन मलिन हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह किसको नहीं है? आपको नहीं है? सबको है। आपको नहीं है? कभी कमाल की बात है भाई, देखिए हद है, ठीक है। एक शंकराचार्य जी कहते हैं रामलला मंदिर में, अधूरे मंदिर में प्राण, अरे भाई प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति में ही तो होगी, मंदिर में थोड़ी ना होगी, दीवारों में प्राण प्रतिष्ठा करोगे आप? दीवारें जरूरी चाहिए, तो किसी पीपल के नीचे किसी देवता की मूर्ति रखी है, वहां तो कोई मंदिर ही नहीं है। बोलिए, सारे संसार में एक अद्भुत दृश्य भगवान शनिदेव महाराज ने दिखाया है, क्या दिखाया? एक शिला बह के आ गई, कहां पे? सिंगनापुर में, और बिना ओट के बिना छात के खड़ी है, उसके ऊपर अगर नीम की डाली आ जाती है वो भी जल जाती है, फिर कमाल की बात है भाई, हदी है। कहां कहां से हमें बहुत अच्छे अच्छे महात्मा मिल गए, और ये हमारा कल्याण करेंगे देख लो, ठीक है। इनकी गद्दी से लोग जुड़े हुए हैं, कहते हैं हम तो वोट बना रहे हैं, वोट है हमारी, कहते हैं कि हम चुनाव भी हरवा देंगे, ऐसे सामने प्रतिद्वंदी भी खड़े करवा देंगे। अरे एक भव्य बड़ा मंदिर बनाने के लिए आप उन्हीं देवताओं के, जब सारे देवता एक हैं, उन देवताओं के सारी मूर्तियों का वो कर सकते हो, आप पदार्पण कर सकते हो, और फिर एक मूर्ति वहां रख सकते हो, क्योंकि अयोध्या के राजा राम है, तो एक ही मूर्ति, एक ही राम सबको चला सकते। पर भाई मुझे तो समझ में आता नहीं है, आजकल के महात्मा इनसे निकलता तो कुछ नहीं है, होता तो कुछ नहीं है, करके दिखा नहीं सकते। और एक बात, ये परकाया प्रवेश की बात मैंने जो की है ना, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ लाखों आदमियों के सामने। किसके सामने? लाखों आदमियों के सामने। भारत सरकार अगर शरीर छोड़ने की वो दे मुझे आजादी, तो मैं अपने शरीर को त्याग के परकाया प्रवेश करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शरीर त्यागना ही पड़ेगा। और ये परकाया प्रवेश हमें देखने में आता है, जो बैठ के आपकी पर्चियां लिख रहे हैं उनके गुरु कभी काया सहित थे, क्या थे? काया सहित थे, आज वे उनके अंदर प्रविष्ट होके लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लोगों की पर्चियां लिख रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। और ऐसा परकाया प्रवेश कोई था ही नहीं, और हमारे शंकराचार्य, आज के शंकराचार्य हो तो हो, लेकिन हमारे शंकराचार्य महाराज, आदि शंकराचार्य जी कभी ऐसे थे नहीं कि काम शास्त्र को जानने के लिए दूसरे के शरीर का ग्रहण करते। आगे ना राजा की आयु लिखी होगी, उस राजा के साथ लग रही, अब किसी और के साथ लगते तो क्या था कि उन्होंने सुना हुआ था कि राजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करते हैं, क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, और राजा बड़े सात्विक भाव वाले हैं। तब उस राजा के पास चले गए सूक्ष्म शरीर से, किस शरीर से? सूक्ष्म शरीर से, इसके अलावा कुछ नहीं था, वो मलिन थोड़े ना थे कि किसी के अंदर जाके और फिर काम भाव को पन पाते और फिर वापिस कैसे आते, कमाल की बात है भाई, हद ही है। लेकिन हमने चीजों को बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, कुछ हद है नहीं है। लेकिन आज ये सबके सामने केस है, ठीक है, कोई महात्मा कहे कि मैं इसको ठीक कर दूंगा तो आ जा भाई, उसका स्वागत है दुनिया के किसी भी महात्मा का। कोई कहे कितने ही शंकराचार्य हो, निकालो इसकी कीलें, कहां से निकालोगे, कहां से बन रही है यही बता दो, अंदर बन रही है, त्वचा बाहर से बंद है, बिल्कुल डाट बंद है कि नहीं है, अंदर कील बन रही है, कील कैसी बन रही है वो दिखाई दे रही है इसके फोन में भी, ये देखो आलपिन के जैसी। अब डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर कह रहा है इसका शरीर तो लोहा बना रहा है, कील बना रहा है, तो लंबी कैसे बना रहा है, फिर माथे पे कैसे बना दी, पेट में ही बनाता, मशीन माथे पे भी लग गई क्या, माथे पे मशीन लग गई? डॉक्टरों से कोई पूछे कौन कौन से हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ दिखाया तुमने इसको? मारवाड़ हॉस्पिटल में, वहाँ पे ले जाती थी परमेश्वर मारवाड़ हॉस्पिटल, वहाँ पे ले गई। अब ये कल से आई है लड़की, कल तो तुझे नहीं फील हो रहा था ना, कल इसको फील नहीं हो रहा था, और ये मेरी आंखों में देख के गिर भी जाती है, ये भी तय हो गया कि इसको निगेटिविटी है पक्का 1000% लिख के दे सकता हूँ, और इसको दर्द भी रहते हैं, लेकिन कल इसको कुछ नहीं था, रात रात में कीले बनी है और ऊपर से सारा मुंह बंद है, वे अलग जगह पे बनी है। मैं सोचता था ये बेहोश होने से पहले कील गड़ा लेती है,
क्योंकि कुछ शरीर ऐसे होते हैं उनको कितना भी जख्म घाव दिया जाए उनको जो ये अनुभूति है गड़ने की ये होती नहीं है, उनको दुख दर्द नहीं होता है। लेकिन उसको तो दर्द हो रहा है पहले ही। मेरे हाथ से जरा सी कील यूं हिल गई तब उसने उफ कह दिया, अरना तो अब करके दिखा देता हूँ। खड़े हो बेटे, तो क्यों क्यों ऐसा हुआ? तो फिर ये दुनिया में चैलेंज बना हुआ है सबके लिए, निगेटिविटी आगे इतनी बढ़ गई है कुछ हद नहीं। अरे क्रिश्चनों ने उन्नति कर ली, उनका तो जो भगवान था वही प्रेत निकालता था, शैतानों को निकालता था, दुनिया भर का उनका एक जो भी पूरा ग्रंथ है वो पूरा इसी से भरा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान क्या, उनके महात्माओं ने भी कभी प्रेतों को नहीं छेड़ा, इसलिए क्योंकि ये मुंह पे लात थप्पड़ घुसा कुछ भी चला सकते हैं, किसी भी महात्मा की गिरेबान पकड़ सकते हैं और सबको क्या कहते हैं, बिना मेहनत का बिना पसीना आया तो चाहिए, मेहनत और पसीना कोई बहा नहीं सकता। तो ऐसे महात्माओं का हम क्या करेंगे जो उद्धार के नाम पे हमें मंत्र देने के नाम पे हमें मालाएं बेचते हैं और पैसा कमाते हैं दुनिया भर का, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा मैं किसी माँ बहन से कहूँगा कि वो आके इसकी उस कील को हल्का सा यूं छू के और ऐसे हिला के देखे, तब देखते हैं इसके मुंह पे शिकन आती है कि नहीं आती है। कौन आएगा? तो ही आएगी। हाँ देखे, कभी ज्यादा घुमा दे नहीं, बैठ आराम से, इनको खड़ा कर लो दीदी को। हाँ खड़ी हो, देख जहाँ वो कील बनी है, कील तीन जगह बनी है, और जैसे ही आप छूओगे पहले तो अपने हाथ से महसूस कर कहाँ कील है। ये रही गुरुजी, ये रही। अब इसके ऊपर का दिखा, क्या ये बंद है या खुला है? बंद है गुरुजी, बिल्कुल सारा का सारा। तो अच्छा बंद है, अब अंदर कील बनी है, अब कील को छुओ, महसूस हो रही है ऐसे खड़ी हुई कि बिल्कुल खड़ी है। अब छुओ ऊपर, दिखा उसका चेहरा, चेहरा दिखा, चेहरा ऊपर कर, मुंह ऊपर कर। ए देख, ये देखो कितना दर्द होता है, दर्द होता है छूने से, है ना? और डॉक्टरों के लिए चैलेंज बढ़ गया, डॉक्टर कह रहा है कीले बनती है, इसको तो 6 महीने पहले क्यों नहीं बन रही थी, 1.5 साल पहले, तो फिर अभी क्यों बन रही है, कब से बन रही है बेटे? 6 महीने हो गए, 6 महीने हो रहे हैं। अब गौतम भैया से पूछते हैं क्या क्या चीजें। चलिए आराम से, मुझे तो यही रहना है, और अपना वो इंजेक्शन और बोले ले निकालने के लिए। आइए अपने आप बाहर आएगी, तो चीरा कैसे मारती है, अपने आप ही मार लेती है, छप्पर वगैरह डाल देते ना, टीन साइड सी वैसे डाल रखी है, एक तरफ छप्पर वगैरह टीन साइड सी डालते हैं, आगे की तरफ जाते हैं सीधे हाथ पे जैसे चूल्हा वगैरह बना देते हैं वैसे चूल्हा सा बना, आगे की तरफ जाके सीधे हाथ पे, बाहर से सीधे हाथ पे चूल्हा बना हुआ था। हाँ पर गुरुजी पुरानी क्रिया सारी सारी दबाव पहले उनके ऊपर पड़ देते, इनकी मम्मी के ऊपर, क्योंकि आपको पहले दबाव महसूस होते थे, मम्मी की क्रिया थी। आज भी सपने में छोटे छोटे बच्चे सांप और पानी दिखते रहते हैं, क्योंकि घर के सांप पानी दिखता है, घर के जितने भी पितर थे वो सारे उल्टे कर रखे थे, उसके साथ साथ जैसे गुड़िया सी बना रखी है, गुड़िया बना रखी है, उसमें कीले चुभा रखी, उसमें कीले चुभा रखी है, ये वहीं से सीधी आ जाती है। तंत्र तगड़ा है, इसका मतलब किसी का तंत्र जो है वो स्थूल रूप धारण कर चुका है, बाहर इस तरीके से ऐसे आती है। ये क्या है साथ में सफेद सफेद सा दिखाई दे रहा है, कीली चमक रही है, कीली चमक रही है। अच्छा उसकी चमक है, मतलब वो जो है ना इतनी पैनी है कि उसकी चमक है, शार्प हो जाती है। अच्छा बीच में जब बालाजी गए उसके बाद बढ़ गई प्रॉब्लम, अब महीने में या हफ्ते में कितनी कीले निकल जाती है? ऐसे निकलती है। फिर इसका ऑपरेशन ही होता है सारी होगा या अपने आप भी निकालते हो? अपने आप भी निकालते हो। क्या करती है तू, क्या कहते हैं इंजेक्शन खुद ही लगा लेती है? हाँ। इतना दर्द सहन करती है, हाँ? और कब से हो रहा है दर्द सहन? 1.5 साल से पहले पत्री थी, पत्री थी। अरे पत्री कीलों में थोड़े ना बदलेगी, नहीं पहले उससे ही दर्द होता था। अच्छा जैसे पहले पत्री का दर्द होता था, बाद में पत्री टूट के कीलों में बदल गई? नहीं पत्री का ऑपरेशन करवा लिया। हाँ फिर अपेंडिक्स हुई थी, फिर अपेंडिक्स हुई, उसका भी ऑपरेशन करवा लिया, उसका भी ऑपरेशन करवा लिया। अपेंडिक्स कहाँ ना था, पथरी थी ना अपेंडिक्स था, ये प्रेत ही थे और यही बार बार दुखी कर रहे हैं तुझे, और डॉक्टर ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रहे हैं। आया समझ में? उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, पहले तो ये दर्द के रूप में पथरी जैसा लगा, घूमता हुआ घूमता था ना दर्द, फिर ये क्या कहते हैं पेट में अपेंडिक्स घूमता हुआ तब भी घूम रहा था,
बस जगह बदल चुका था, फिर ये अब किलो के रूप में आ रहा है। ये पूरा तंत्र है भाई, क्या है वरना तो डॉक्टर अपनी खोज कर लो, आ जाओ सारे के सारे हिंदुस्तान के डॉक्टर, किसी को खोज करना है वैज्ञानिक अपनी खोज कर लो, ठीक है कि नहीं। लेकिन सब फैल है, अभी ये हॉस्पिटल से ही तो आई है, अगर डॉक्टरों को पड़ी होती तो वो इसकी खोज करते कि नहीं। लेकिन अगर इसकी खोज करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तंत्र भी लोगों को मार सकता है, और तंत्र भी होता है, और तंत्र ऐसे स्थूल रूप भी रख सकता है, और तंत्र लोगों को दुखी करता है, फिर वो कहेंगे फिर हॉस्पिटल की जरूरत ही क्या है। लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, अगर सरकार लोगों का इलाज की जिम्मेवारी उठा ले और सरकार ही मेडिकल करे, जैसे अमेरिका में होता है और क्या कहते हैं कनाडा में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, तब लोग इतने बीमार नहीं रहेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि सरकार प्रत्येक हॉस्पिटल में एक हनुमान जी का मंदिर बनाएगी, ठीक है, और फिर वहाँ किसी ऐसे भक्त को बैठाएगी भाई तूने लोगों का इलाज करना है, वो भी सफल। और तो चुनेगी सरकार कि कौन कर सकता है इस काम को, महारथी कौन है, तो चुनेगी सरकार, फिर चुन के उनकी एक तनख्वाह बांधेगी सरकार। तो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं अपना कोई भी रोग दिखाते हैं, तो जब वो रोग देखते हैं डॉक्टर, उससे पहले वो क्या करते हैं वो उससे पहले एक पादरी होता है प्रत्येक हॉस्पिटल में, वो पादरी चेक करता है। वहाँ की सरकारें 40 साल तक लोगों को दवाई नहीं खाने देती, और दवाई भी एक ही मिलती है पैरासीटामोल, और ये हमारे नेताओं को भी पता है। लेकिन यहाँ चूंकि मेडिकल साइंस का पूरा हब है और मेडिकल के माध्यम से अरबों खरबों रुपए को खाया जाता है, और इससे करोड़ों लोग करोड़पति अरबपति बनते हैं, इसलिए इसको नकारते नहीं है, इसको स्वीकारते हैं, और इस हद तक स्वीकारते हैं कि बाकी सबको नकार देते हैं, इस हद तक स्वीकारते हैं बाकी सबको नकार देते हैं, और इसलिए कोई खोज नहीं हो पाती है। जैसे ये लड़की डॉक्टरों की खोज का जरिया हो सकती थी, वो इससे साबित कर सकते थे कि हमारे अलावा भी रोग बनने के बहुत सारे तरीके हैं, और वो हमारे से कदापि निकल नहीं सकते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर आने वाले 1000 करोड़ वर्षों तक भी शोध करें तो ऐसे किसी भी मरीज को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि शोध तो वो करेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं, तो कोई मरीज ठीक भी उनसे नहीं होगा। अभी भी मैं बताता हूँ कि एक जो है एक बाहर का यानी कि विदेशी था, और उसने खोज की, मनोचिकित्सक था वो, उसने खोज की, तब उसने 2 लोगों को ठीक किया, किससे, भगवान के नाम से, भगवान की ऊर्जाओं से, वो तो मसीह का नाम लेते होंगे। तब उसने माना कि प्रेत अधिक होते हैं, और उनकी सिचुएशन के अनुकूल भी उसने मान लिया कि प्रेत अधिक होते हैं। तब उसने अपनी पूरी थीसिस लिखी, लेकिन उसको नकार दिया गया, उसकी जॉब छुट्टी, और उसको सदा के लिए बाहर कर दिया गया हॉस्पिटल से, जबकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर था। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या नकारने से चीज़ें अस्तित्व में नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? अभी आ रही है और बढ़ती जा रही है संख्या, तकरीबन 40 करोड़ लोग प्रेतादिकों से परेशान हैं, और उनके परिवार भी परेशान हैं, तकरीबन 40 करोड़, ये मेरी गणना है, और सरकार इस पे कदापि ध्यान नहीं दे रही है। लोगों को अगर इसी से राहत मिल जाए ठीक तरीके से, तो मैं ये कह रहा हूँ क्या कहते हैं कि उनका जीवन सफल हो जाएगा, और उनके जो कमाई है उसमें उनका गुजारा चल जाएगा, और वो कह सकते हैं कि राम राज आ गया है, क्योंकि लोग अपनी सब्जी रोटी में भी गुजारा कर लेंगे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि प्रमाणित तौर पे ये जितना भी पैसा होता है या तो डॉक्टरों के दिलवा देती है हमारा, या फिर तांत्रिकों के दिलवा देती है। किसके दिलवा देती है? डॉक्टर या तांत्रिक। तब आदमी नंगा भूखा हो जाता है, उसके पास एम करने के अलावा कोई काम नहीं होता, वरना तो अपनी दाल रोटी खा के भी बहुत सारे लोग खुश रहते हैं। भारत की जनसंख्या आज भी ऐसा है, और भारत का मनोबल भी आज ऐसा है कि एक महात्मा कहता है ना, ये मन से मलिन है और मन की मलिन सत्ता है। वो तो हम भी मानते हैं भाई, मन की मलिन सत्ता है, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन जब आप समाज में व्यवहार कर रहे हो, महाराज जी को एक बात याद रखना चाहिए, क्या कहते हैं कि जब भी लोग समाधि में जाते हैं, जैसे आपको श्री जी पसंद है, किसी को शनिदेव पसंद है, किसी को कोई पसंद है, सब अपने अपने इष्ट की उपासना करते हैं, जब समाधि में होते हैं तब वहाँ कुपित वायु नहीं होती है, जैसे ही बाहर आते हैं वायु की वक्रता होती है, तब सब अपने मन के हिसाब से भगवान की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, और जब बाहर आके स्तुति करते हैं तो उस स्तुति में वायु की वक्रता आती ही आती है। इसलिए हमारा जो इष्ट है, जहाँ वायु ही नहीं है, जहाँ जल ही नहीं है, जहाँ पृथ्वी नहीं है और मात्र आकाश है, आगे समझ में, जो हमारा इष्ट है वो वहाँ खड़ा है, और वो हमारे हृदय आकाश में, मध्य आकाश में खड़ा है। दर्शन 3 ही तरीके से होते हैं। सबसे पहले भगवान आपको स्वप्न में चेताता है, उसके बाद भगवान आपके मध्य आकाश में आके दर्शन देता है,
तब पूरा आकाश खाली हो जाता है। इस पूरे संपूर्ण जगत में आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपका इष्ट का या तो तेज दिखाई देता है या उसका स्वरूप दिखाई देता है। बहुत सारे महात्माओं को तो ये भी नहीं पता होगा, लेकिन मनु भैया तो दोनों हाथ उठाकर कहते हैं कि हाँ मैंने देव दर्शन किया है, इन आंखों से उसको देखा है, कानों से सुना है और हाथों से छुआ है, और तो वो सबका कल्याण करे। एक पुस्तक हमारी चलती है, उसी में हमने भगवान की बहुत सारी स्तुतियां लिखी है और उनको आप पढ़ सकते हो, पढ़ के उनसे शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो और अपने आप को उच्चता में लेके आ सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई महात्मा बनना जरूरी नहीं है। गृहस्थ दुनिया में सबसे बड़ी सीख देता है, कौन सीख देता है? तुलसीदास ने सबसे बड़ी सीख दी कि नहीं दी? दी तुलसीदास ने सीख दी कि नहीं दी? भगवान वाल्मीकि ने भी तो सीख दी नहीं? तो रहदास जी ने सीख नहीं दी आपको? तो तुकाराम जी ने सीख नहीं दी आपको? तो फिर और बताइए, कितने बताऊं? और बताइए ग्रस्तों की महिमा कितनी बताऊं? तो कबीर दास जी ने दी, तीन बार ऑपरेशन करा लिया एक ही चीज का, फिर भी ठीक नहीं हुआ। अगर ये चिकित्सा जगत अच्छा होता, 25 साल बता दिया मैंने, तो ये सारे ठीक हो जाते। ठीक है ना? बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। बजरंगबली महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब तो भाई दोबारा न्यास करें।